ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा जिला के कानून व्यवस्था की कमाल संभाले खातिर नवागत एसपी विवेक कुमार सिंह के द्वारा आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान तत्कालीन एसपी डीआईजी नवनीत भसीन घलाय उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान नवागत एसपी के द्वारा कहा गया कि रीवा जिला में नशा के अवैध कारोबार की जानकारी उनका मिली है और इन नशा के अवैध कारोबार के चेन का तोड़े की कोशिश उनके द्वारा की जाई। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर। बता दें कि रीवा जिला के नवागत एसपी विवेक सिंह के द्वारा अपन पदभार संभाल लीन गया है। मीडिया का जानकारी दी कि नवागत एसपी विवेक सिंह के द्वारा बतावा गया कि उनका यह जानकारी मिली है कि रीवा में नशा के कारोबार सबसे ज्यादा फल फूल रहा है और एकर चेन तोड़े के प्रयास उनके द्वारा की जाए। वह जनता से नवागत एसपी के द्वारा अपील की गई है कि पुलिस अगर कोनो मेर से पैसा के मांग कर रही है तो क्यों व्यक्ति के द्वारा पैसा ना दीन जाए। अपना को बता दें कि विवेक सिंह नवागत एसपी इंदौर खंडवा जबलपुर सहित कई बड़ा जिला में कानून व्यवस्था संभाल चुके हैं। वह आज पदभार ग्रहण के दौरान पूर्व एसपी नवनीत भसीन घलाय उपस्थित रहे। आई अपना को सुनाई थे नवागत एसपी के द्वारा मीडिया के सामने कोविड के बयान दीन गा है और लोगों से कोविड के अपील की गए। तो सजग रही और सतर्क रही, रखी आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। तो उसकी वाइफ दौर आपका भैया आगमन से लोग फोन कर रहे थे। बहुत फोन आया सर, तब से आया जब से लिस्ट आई है। चलो भैया, ठीक है। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, किस वजह से आए और कहाँ कहाँ आपने सेवा दी है? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं 2012 आईपीएल बैच का हूँ और इसके पूर्व मेरा जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में थी और उसके उपरांत महू इंदौर, फिर ग्वालियर में कमांडेंट, उसके उपरांत फिर एसपी इंदौर वेस्ट और फिर एसपी पन्ना, एसपी दमोह, फिर एसपी खंडवा और उसके उपरांत अब रीवा में मेरी पदस्थापना हुई है। पहली बार विंध्य की धरा में मेरी पदस्थापना हुई है, इसके पूर्व मैं यहाँ पे सेवा नहीं दिया था और ये मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ पे सेवा देने का अवसर दिया गया है। सर, आपको अपने कार्य के लिए कई बार मेडल भी मिले हैं, तो यहाँ क्या चीजें आप नवाचार करने को प्रयास करें? अभी मैं समझने की कोशिश करूंगा पूरे एरिया के बारे में, यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और जिन किन समस्याओं को पुलिस अपने हिसाब से डील कर सकती है, कैसे उसको हम निराकरण कर सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी हमारे एसपी साहब से, जो पुराने एसपी साहब नवनीत भसीन साहब से भी मैंने सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि नशे का यहाँ पे एक समस्या रहती है और जिसपे जो कार्य किए जाएंगे उन्हीं कार्यों को मैं और आगे बढ़ाने की और अच्छा करने की प्रयास करूंगा। सर, थाना स्तर पे ये देखा जाता है कि हमेशा आपके दरवाजे पे लोग फरियाद लेके खड़े रहते हैं, तो इस पर क्या नवाचार करने का प्रयास करें? शिकायतों के निराकरण के लिए उसकी मॉनिटरिंग को हम और मजबूत करेंगे और ये देखा जाएगा कि उसको निर्देश भी जारी किए जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि जो थाने पे शिकायतें हैं उनका त्वरित निराकरण वही स्तर पे हो जाए ताकि लोगों को यहाँ पे एसपी ऑफिस आने की जरूरत न महसूस हो। इस प्रकार से कुछ एक कार्य प्रणाली हम बनाने का प्रयास। आपके आने से पहले एक थाना प्रभारी और एक एसआई के ऊपर ब्लेम लगे हैं और लोगों ने कार्रवाई भी की है, ऐसे लोगों के लिए क्या निर्देश देंगे आप? बिल्कुल, किसी प्रकार से जो इस तरह की घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए और जो भी अगर कोई पैसे ले रहा है या कुछ कर रहा है तो वो भी नहीं होना होगा। मैं सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को कोई भी पैसे वगैरह ना दें। सभी कार्य पुलिस के सेवा उसमें आते हैं तो उस सेवा उसके आधार पर ही किए जाएंगे। सर, देखा जाता है कि रीवा संभाग में गांजा और कोरेक्स हमेशा सबसे बड़ा एक इश्यू रहा है अभी तक। हाँ, एक ये जानकारी बिल्कुल मिली है, मैं कहीं पदस्थापना रहे लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज में आता था या कुछ आता था कि इस एरिया में गांजा और इसके बाद अभी कोरेक्स का काफी चलन बढ़ा है और जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और मैं यही बताना चाहूंगा कि जो पूरी टीम है उसको लेके हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई को और अच्छी करें और बढ़ाएं ताकि इसको पूरी तरह से हम मिटा पाए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं।
कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।